अच्छा जी, आज का जो हमारा मामला है वो है CCNA से रिलेटेड। अब CCNA जो है, इसके साथ हम फ्री दे रहे हैं लिनक्स, जिसके कोर्स का नाम है RHCSA, और ये दुनिया का वर्ल्ड वाइड फेमस कोर्स लिनक्स का। ना ये मतलब छोटा मोटा कोर्स नहीं है, बहुत फेमस कोर्स है। अब ये लिनक्स का जो कोर्स है ना, वो फ्री का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा, फारग ही आई, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से प्रॉपर क्लास होती है लिनक्स की, ये वैसे ही होगी हमारी। मैंने ये सोचा है कि नेक्स्ट वीक से आपका लिनक्स का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया जाए अल्टरनेट डे पे। हमारी जो टाइमिंग होगी वो हमारी होगी 6:30 to 8 PM, 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी। वैसे तो नॉर्मल इदारों में 1 घंटे की होती है। मैंने आपको बताया अभी कि आधा टाइम तो वो गुजार देते बातों में, और आधा टाइम को उसमें से एक दो चीज़ पढ़ा दी, मतलब बच्चा फारग, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये तो मार्केट में जाके पता लगेगा। अभी तो आप माशाल्लाह प्रैक्टिकल हैं, आप तो करके आएगा, आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे, और जो चीज़ें मार्केट में चल रही हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। गप्पे नहीं हमने रेट दी, बिला वजह टाइम आपका भी ज़ाया हो और मेरा तो बहुत कीमती टाइम है जी, मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहता। अभी आपके पास एक और क्लास है मेरी। नॉर्मली मेरे पास जो स्ट्रेंथ होती है ना स्टूडेंट्स की, वो नॉर्मली ऑनलाइन होती है। आजकल वैसे भी ऑनलाइन का शौक पड़ गया लोगों को, और ऑनलाइन फ़ायदा भी है, इसमें फिजिकल आने की हैसल से बंदा बच जाता है। दूसरा, वो जहाँ भी है वहाँ पे आराम से क्लास ले सकता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कंपनी के हवाले से। हमारी कंपनी का नाम है ओपस सॉल्यूशन। हम 2018 से काम कर रहे हैं, उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन 2018 से हम रजिस्टर्ड हैं। हम पाकिस्तान से भी रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद हम टैफ्टा से, PSTA से, PSTF से, ये सारी वो अथॉरिटीज़ हैं जो IT के सेक्टर को कंट्रोल करती हैं। हम इन तमाम से रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब आप जिस इदारे में बैठे हैं यहाँ पर जो भी बात होगी वो फुल एंड फाइनल होगी और वैलिड होगी, वो बिला वजह नहीं होगी। तो ये बातें थी हमारी कंपनी के बारे से। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, हम सिर्फ ट्रेनिंग्स नहीं प्रोवाइड करते बल्कि हम सॉल्यूशंस भी देते हैं। उन बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े नाम हैं, जैसा कि सबका डेटा सेंटर हमने ही डिज़ाइन किया। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप एक ऐसे बंदे से पढ़ लेंगे जो कि फिज़िकली काम करना जानते हैं और फिज़िकली हार्डवेयर पर काम किया होगा। ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी इदारे में आने के लिए। आपको एक ऐसे टीचर को ज्वाइन करना चाहिए या शुरू करना चाहिए, प्रैक्टिकल हो, वरना कहानियाँ तो आपको भी आती हैं ना। किताब आपको YouTube से मिल जाएगी आराम से, YouTube से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करें लेटेस्ट किताब को, या YouTube से आपको वीडियो भी मिल जाएगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो कहानीबाज होते हैं। कहानियाँ बड़ी आती हैं, बाकी इदारों में भी ऐसे हो रहा है, पर जहाँ प्रैक्टिकल है वहाँ पर तो फिर आपको पता चीज़ अलग होती है। अब हम प्योरली CCNA की बात अगर करें, इसके साथ एक नाम आता है R&S। ये आपने लास्ट टाइम देखा होगा, राउटिंग एंड स्विचिंग। इसका क्या मतलब है? जब CCNA इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना, तो उससे पहले दो एग्जाम्स हुआ करते थे, ICND 1 एंड ICND 2। जब तक आप ये दो एग्जाम्स नहीं देते थे ना, आप उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते थे जो कि बिगिनर लेवल है। अब मसला ये था कि ये दोनों जो लेवल्स हैं ना, या दोनों जो एग्जाम्स हैं, ये $300 के थे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, $300 का ये, $300 का ये, कितने हो गए? $600। अब किसी भी बंदे को जब नेटवर्किंग में आना, तो उसको ये दो पेपर देने, $600 ज़ाया करना है अपना। उसके बाद ट्रेनिंग अलग होती है, एग्जाम की मैं कॉस्ट बता रहा हूँ, इसकी ट्रेनिंग की फीस में इन्वॉल्व नहीं है। ये तो अपने सिस्को को देना है एग्जाम देने के लिए। इसी दौरान ना एक नया नाम आया दुनिया के अंदर, जिसको जूनिपर कहा जाता है। अब ये नाम आपको आना चाहिए कि आपके सिस्को के कंपेटिटर्स कौन कौन है। जूनिपर, हवावे, थ्री कॉम, HP, डेल। अब आप कहेंगे सर ये तो कंप्यूटर्स बनाते हैं। जनाब, ये सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बनाते, ये आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस भी बनाते हैं। दोनों, इन सब में से ये दो फेमस हैं, जूनिपर और हवावे। आपका पाकिस्तान का जितना वापटा है ना, उसका जो मेन हेडक्वार्टर है उसके अंदर जूनिपर ही लगा है, और हमारे हाथों पर ही लगा हुआ। तो उधर मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। तो जूनिपर एक बहुत बड़ा नाम है, ये एवे नहीं है, बिला वजह नहीं है, बहुत बड़ा नाम है जूनिपर। हवावे भी बहुत बड़ा नाम है। हवावे इनिशियली जब पाकिस्तान में आया था, तो ये सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आया था, पर बल्कि पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आया था सिर्फ नेटवर्किंग का काम करने के लिए। इसको फेम नहीं मिल रहा था, कोई पहचान नहीं था रहा, यकीन भी नहीं करते ना चाइना की चीज़ लोग चाइना की चीज़ पर यकीन नहीं करते। इनको फिर मजबूरन इस फील्ड में आना पड़ा कि जो दुनिया में ट्रेंड चल रहा था, और वो था मोबाइल्स का, एसेसरीज़ का। फिर उन्होंने पहले हैंड फ्रीज बनाई, इनकी एंट्रीज बहुत मशहूर हुई हवावे की एंट्री। हर दूसरा बंदा मैं देख रहा था एंट्री लेकर बैठा हुआ है, जनाब यदि आवाज़ बड़ी कमाल।
तो इस तरह करके बड़े फेमस हुए। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से फेम लिया, वहाँ से सारा इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की और अपनी ला कर इसके अंदर रखी, पाकिस्तान के अंदर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट किया सारा हवावे, पाकिस्तान के अंदर बड़ी कंपनी आपकी टेली जो है टेलीकॉम कंपनी जोम के नाम से, ये है ही वो उनकी ही है कंपनी, और ये इसके अंदर जितना भी लगा था इक्विपमेंट वो सारा का सारा लगा था हवावे का। अब इसमें से कुछ उन्होंने मिक्सचर किया, कुछ सिस्को भी लगाया, क्योंकि हवावे ना स्टेबल ज़्यादा नहीं है, उनको खुद ही पता लगा कि हवावे स्टेबल नहीं है। हम बात करें सिस्को की, ये जो CCNA है ना, CCNA में पहला सी से मुराद है सिस्को, तो हम उसके अलावा जितने कंपेटिटर्स हैं उनकी भी बात कर ली। ये जो कंपेटिटर आए थे ना, इन्होंने कहा कि तुम क्यों $300 और $300 करके $600 ज़ाया कर रहे हो, हमारे पास वो $300 में एग्जाम दो और जनाब इन हो जाओ। अब उस दौरान सिस्को को भी थोड़ा सा धचका लगा, हालांकि सिस्को का नाम था, उसको पता लग गया कि एक आने वाला टाइम आएगा मेरा नाम खराब हो जाएगा। उसने क्या किया, इन दोनों एग्जाम्स को मर्ज करके एक सिंगल एग्जाम कर दिया जो कि CCNA के नाम से मुतारिफ करवाया। इससे पहले CCNA नहीं था, इससे पहले ICND 1 और ICND 2 था, उसके बाद इन्होंने CCNA मुतारिफ करवाया। अब आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको एग्जाम जो देना होता है वो CCNA का ही देना होता है। इस एक एग्जाम की कॉस्ट है $300, यानी कि अब जब आप मार्केट जाएंगे एग्जाम देने के लिए आपको सिर्फ $300 पे करना है और आप CCNA सर्टिफाइड कहलाएं। अब ये मैं कॉस्ट बताई है एग्जाम की। अच्छा, अब अगर आप कहते हैं कि सर आपके थ्रू अगर हम जाना चाहें, आपको दो तीन फीचर्स मिलते हैं। पहला फीचर तो ये मिलता है अगर आप हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें सिस्को के अंदर, तो आपको 60% तक डिस्काउंट मिलता है, 59% से 60% के दरमियान में डिस्काउंट मिलता है, ये बहुत ज़्यादा है। यानी कि रिमेनिंग फीस आपकी रह जाएगी तकरीबन 120 से 120 डॉलर या 130 जितने भी बनते हैं, इतने डॉलर रह जाएंगे, बाकी सारे के सारे वो सिस्को छोड़ देगा। ये पहला फीचर। दूसरा फीचर आपको ये मिलता है कि हम आपको ना सिस्को की ऑनलाइन अकेडमी के अंदर इनरोल करवाएंगे, जिसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल कवर करेंगे ना, एक पूरा पैटर्न होता है, वहाँ पे कुछ एग्जाम्स लिए जाते हैं, वो एग्जाम क्लियर करना कोई बड़ा काम नहीं है। उस पैटर्न के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कैसे अपने एग्जाम क्लियर करने हैं, उन तमाम एग्जाम्स को क्लियर करके आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा और सिस्को का जो CEO है वो सिग्नेचर करेगा कि इस बच्चे ने हमसे भी ट्रेनिंग ली हुई। ये बहुत कमाल की चीज़ है। इंटरनेशनल मार्केट में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे भी जब जाना चाहें, तो इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जब आप वो सर्टिफिकेट किसी जॉब के अंदर दिखाएंगे और उसके ऊपर लिखा होगा सिस्को का CEO साइन करके देगा जिस बच्चे ने हमारे से ट्रेनिंग ली है, सोचें कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगली चीज़ है नेटवर्क। एन से मुराद है नेटवर्क, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क। नेटवर्क से क्या मुराद है, वही तो हम पढ़ने आए हैं। नेटवर्क के बारे में मैं एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको देता हूँ जो कि मेरे ख्याल से हतमी डेफिनेशन है, वो ये है, टू और मोर देन टू डिवाइसेस कनेक्टेड सो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए मिलाना आपस में कि वो आपस में कम्युनिकेशन करें। और कम्युनिकेशन क्यों करनी है, कोई भी वजह हो सकती है, आपने कोई डेटा सेंड करना है, डेटा शेयर करना है, आपने पिक्चर शेयर करनी है, सेंड करनी है, बात करनी, कुछ भी करना है, वजह कोई भी हो, लेकिन आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब भी कम्युनिकेशन की नीयत से आप दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को मिलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क, वो आपका नेटवर्क ही कहलाता है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली। ए से मुराद है एसोसिएट। दुनिया में ना तीन लेवल्स होते हैं, एक एसोसिएट होता है, एक प्रोफेशनल होता है और एक होता है एक्सपर्ट। ये तीन लेवल्स होते हैं, एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये एसोसिएट स्टार्टिंग वाला लेवल है, बिगिनर लेवल है, लेकिन ये बिगिनर से मुराद इतना भी बिगिनर नहीं है। मतलब इसमें आप अच्छा खासा काम करना सीख जाते हैं सिस्को के ऊपर, कि उसके ऊपर डिवाइसेस पे काम कैसे करना है, अगर आप किसी प्रैक्टिकल बंदे से पढ़ रहे हैं तो। और मेरे बारे में एक बात वैसे मशहूर है, मुझे एक आदत है ज़्यादा पढ़ाने की, तो आप मार्केट में जो चीज़ें चल रहे हैं ना वो भी पढ़ जाएंगे, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। डिवाइसेस तो वैसे हमारे पास हार्डवेयर पड़ा हुआ है, जब मर्जी प्रैक्टिस करें कोई मसला नहीं। इससे अगला लेवल होता है CCNP, वो होता है प्रोफेशनल लेवल। लास्ट होता है CCIE, वो होता है एक्सपर्ट लेवल। अब इस पूरी बात के अंदर मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, मेरा नाम है जी तौकीर, और मैंने एंड पे इसलिए रखा था कि पहले हम ये थोड़ी सी बात पढ़ लें ताकि आपको एक्सपर्ट लेवल के पता लग जाए। एक्सपर्ट को कहा जाता है कि ये हतमी लेवल है, इसके बाद कुछ पढ़ने वाला नहीं रहेगा, और ये बंदा चैंपियन बन चुका है। जिस तरह हमारी PhD होती है ना, उसके आगे कोई स्टडी नहीं होती, इस तरह ये PhD है फॉर नेटवर्किंग। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूल CCIE। अब ड्यूल CCIE का मतलब ये नहीं कि एक दफ़ा ख़राब हुआ था तो दूसरी दफ़ा सही हो गया, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इससे रिलेटेड है, ये जो आगे लिखा ना R&S,
इसका मतलब इससे रिलेटेड है, वो क्या है? इस ड्यूल सीसीआई का मतलब है कि दुनिया में जब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन हो चुकी थी तो सिस्को ने भी डिसाइड किया कि उन तमाम टेक्नोलॉजीज के अंदर ना हम बच्चों को पढ़ाएं। दुनिया में तीन लेवल्स हमने पढ़ लिया, बिगिनर यानी कि एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। आप और मैं आ जाए हैं सीसीएन ने राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ने के लिए, तो राउटिंग एंड स्विचिंग के अंदर भी सीसीएन ने सीसीएनपी राउटिंग एंड स्विचिंग है, सीसीआईई राउटिंग एंड स्विचिंग है। एक दुनिया में फील्ड होती है सिक्योरिटी की, सिस्को ने कहा कि हम उसके अंदर भी तीनों लेवल्स आपको पढ़ाएंगे, सीसीएनए सिक्योरिटी, सीसीएनपी सिक्योरिटी, सीसीआई सिक्योरिटी। एक दुनिया में टेक्नोलॉजी है वायरलेस नाम, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है? आपके 4G 5G वायरलेस पे चल रहे हैं। अब जिन लोगों ने वायरलेस की टेक्नोलॉजी पढ़ाई तो उन लोगों के लिए भी सीसीएनए सीसीएनपी सीसीआई है। फिर ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? ISP जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, उधर के प्रोटोकॉल्स उनकी तमाम चीज़ें डिफरेंट हैं। जब तक आप राउटिंग एंड स्विचिंग नहीं पढ़ते ना, ये जो स्टार्ट है, जब तक आप ये नहीं पढ़ते आप कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, हम दरमियान में सिक्योरिटी को टच क्यों नहीं कर लिया हमने, हमने वायरलेस क्यों नहीं पढ़ा, हमने सर्विस प्रोवाइडर क्यों नहीं पढ़ा, हमने ये सब कुछ इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि सब के लिए ज़रूरी है आपको राउटिंग एंड स्विचिंग आती हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए जब आप जाते हैं पहले आपको MBBS करवाया जाता है, आप एक जनरल फिजिशियन जब बनते हैं उसके बाद फिर आप अपनी फील्ड चूज़ करते हैं जो आपकी स्पेशलाइजेशन कहलाती है। आप किडनी के डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, आप लंग्स स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं ये बात की बातें, लेकिन सबके लिए प्राइमरीली आपको सबसे पहले आपको MBBS करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही आपको राउटिंग एंड स्विचिंग जब तक नहीं आती होगी तब तक आप बाकी चीज़ों को टच भी नहीं कर सकते, इसलिए हम राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे DevOps है, ये आजकल बहुत ज़्यादा नाम चल रहे हैं, हर बंदा DevOps लगाया हुआ है, CCNA DevOps, CCNP DevOps और CCIE DevOps, तीनों इसके अंदर लेवल्स मौजूद हैं। और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, जी जी सबके अंदर सारी चीज़ें हमने कवर अप करनी है क्या ज़िंदगी के अंदर? ऐसा मुमकिन नहीं। अगर मैं आपको ये कहूँ तो क्या आप इंसान ही हैं? आप हर चीज़ तो नहीं पढ़ सकते ना, हाँ उसका नाउ हाउ ले सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट बंदा एक में ही होता है। तो मैं इन दोनों का CCI सिक्योरिटी एंड CCI राउटिंग एंड स्विचिंग, और एक CCI करने के लिए कम से कम आपकी 3 साल की मेहनत ज़रूरी है। आप CCNA CCNP जब करके फ्री हो जाते हैं कम से कम 1.5 से 2 साल लगते हैं CCI की लैब तैयार करने के लिए, और ये वाहिद दुनिया का पेपर है CCI जो सबसे लंबा पेपर है पूरी दुनिया का, 9 घंटे का प्रैक्टिकल पेपर है, 9 घंटे की प्रैक्टिकल लैब है, और पाकिस्तान में नहीं होती, पाकिस्तान के बाहर होती, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं लैब के लिए। आप सिस्को के ऊपर अप्लाई करें, उनको पैसे दें, आपका वीज़ा भी वो भेजेंगे, सारा कुछ वही भेजेंगे, आप यहाँ से सिर्फ पेपर देने के लिए जाएंगे। अकोमोडेशन डाल के पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 6-6.5 लाख रुपये का एक पेपर कॉस्ट करता है पाकिस्तानी रुपीज़ में, मतलब ये कॉस्टली चीज़ है, इतनी सस्ती नहीं है। इसकी तरफ तब मूव करना चाहिए, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ तब मूव करें जब आपको इसकी ज़रूरत है, बिला वजह पैसे ज़ाया करने की जरूरत नहीं। बोलते हैं तो बंदे दो किसी अच्छे काम पे लगा देंगे आप। उसकी वजह भी है ना, उसकी वजह ये बच्चे अक्सर फेल क्यों होते हैं CCI में, अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया ना सिर्फ 10 पास होते हैं, बाकी सारे फेल। उसकी वजह ये है कि उन लोगों को गाइड करने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर कोई गाइड करने वाला ये कहे कि भी गाइड करने का मैं तुम्हें ये कॉस्ट करूँगा, हमें तो पाकिस्तानी को समझ नहीं आती इस बात की, हम कहते हैं हर चीज़ हमें फ्री मिलनी चाहिए, पैसे तो देने ही ना मैं, हमें तो मसला ही है, फिर हम क्या करते हैं वो 6 लाख डुबो के आते हैं। ये बहुत गलत हमारा एटीट्यूड है, ये बाहर भी ऐसे लोगों का एटीट्यूड है, वो कहते हैं जी अगर सिस्को आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उस मटेरियल को आप तैयार करके पेपर देने जाएं, भाई कोई भी दुनिया का बंदा पास नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि वो मटेरियल आपको वो देते हैं जो ऑलराउंडर होता है, और इन्हीं लोगों ने अपने कुछ स्पेसिफाइड किस्म के मटेरियल ना कुछ कंपनीज को बेचे होते हैं कि इसमें से पेपर आना है, फिर वो कंपनीज आपको कहती हैं आओ हमारे पास आओ और आके हमसे परचेज कर लो टर्म्स, उन्हीं के सर पे एग्जाम देते हैं और उन्हीं में से आप पास होते हैं, फिर आपको तब फायदा होता है। वो आप लेके थे, समझ आ गई ना? ये बात हमने कर ली यहाँ तक CCNA के हवाले से, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। अब थोड़ा सा फील्ड के बारे से बात करते हैं कि अगर हमने CCNA कर भी लिया, आज हम अगर इकट्ठे भी हों तो हमारी वजह क्या, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? देखिए जी, दुनिया में ना 2 तरह की फील्ड्स हैं, एक आपकी है नेटवर्क साइड और एक आपकी है सिस्टम साइड, जिसको आप सर्वर्स भी कहते हैं। एक वक्त था हमारे भी स्टूडेंट्स, हम भी खुद, जब सिर्फ CCNA पढ़ाते थे और हमारा स्टूडेंट बाहर जाता था और उसको जाके 4-5 लाख रुपए की जॉब मिल जाती थी,
जिसमें उसने सिर्फ नेटवर्क हैंडल करना है और कुछ नहीं करना। अब वो दौर नहीं रहा। अब पाकिस्तान में तो वैसे पहले से ऐसी हरकतें थी कि इनको एक ही बंदा चाहिए होता है और वो बंदा मतलब ऐसा हो कि जो झाड़ू भी लगा, मतलब वो झाड़ू भी वही लगा दे, ऐसा बंदा चाहिए होता मतलब। और मज़े की बात वो कहते हैं पैसे भी ले ले, फ्री आ जाए। हमारी ऐसी आदत है। तो यहाँ पे तो भाई पहले से बिहेवियर था कि एक बंदा हो सारे काम करे। अभी इस चीज़ को ना दुनिया में भी अडॉप्ट कर लिया गया, वो इसलिए कि कॉस्ट कॉन्शियस हो गए सारे लोग कि कॉस्ट कम पड़ती है। वो कहते हैं इससे क्या नुकसान होगा कि अगर दो लोग हों, अगर दो लोग हों, उन दोनों को सैलरीज देनी पड़े, मिसाल के तौर पर 60,000-60,000 दो लोग रखें आप, 1,20,000 हो गया। तो अगर आप 80,000 रुपये एक बंदा रख लें जिसको दोनों काम आते हैं, ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, 40,000 तो बच गया ना आपका, उस बंदे को ज़्यादा सैलरी दे दें। आजकल दुनिया में यही बिहेवियर अपनाया जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बंदा ज़्यादा पढ़ के आए, हमसे ज़्यादा सैलरी ले ले, लेकिन काम वही करेगा अकेला ही। अब वो अलग अलग बंदे नहीं रखते। तो ये चीज़ तो समझ आ गई कि दोनों आज के बाद ये दोनों आपस में जुदा जुदा नहीं, ये सेम है। आपको दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आप कहते थे मैं खाली CCNA कर लूँगा तो नौकरी मिल जाएगी, ना भाई, आपको साथ में कुछ सिस्टम साइड की भी चीज़ पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, नेटवर्क के अंदर कौन कौन से वेंडर ज़्यादा मशहूर है, मैंने आपको बता दिया, एक सिस्को है, सिस्को का CCNA है, CCNP, CCI है, हवावे है, इसका भी है, HCNA था, अब HCIA है, HCIP है, HCIE है, अच्छा जूनिपर है, जूनिपर के भी कुछ कोर्सेज हैं, JCNA, JCNP, JCIE, इस तरह और बहुत सारे वेंडर्स हैं। उन्होंने भी ऐसे तीन लेवल्स के अपने कोर्सेज रखे हैं। हमें किसको पढ़ना है, हमें उसको पढ़ना है जो दुनिया में भी ज़्यादा फेमस है। सिस्को को दुनिया में क्यों पढ़ाया जाता है, कि कहा यह जाता है जो कि बिल्कुल रियलिटी बेस्ड बात है, कि दुनिया में 87% डिवाइसेस जो चल रही हैं वो सिस्को की चल रही हैं। कोई भी दुनिया में ऐसी कंपनी मुश्किल से आपको मिलेगी जिसमें सिस्को की कोई ना कोई चीज़ ना चल रही हो, है ऐसी लेकिन बहुत कम है। तो दुनिया में अगर एक हमने अगर कोई सर्वे करना है तो सर्वे के बाद पता लगेगा कि 87% डिवाइसेस सिस्को की चल रही हैं। ये बात समझ आ गई, इसी वजह से तुम सिस्को पढ़ रहे हैं। अगर हम सिस्को पढ़ लेंगे तो हम अच्छे अंदाज से चीज़ों को कवर भी कर लेंगे। जो बाकी हवावे हैं, जूनिपर हैं, जहाँ पर आपको इनकी ज़रूरत है आप वहाँ पर कर लें, यहाँ तो कोई मसला होता। ये बात तो मैं समझ आ गई कि हमने पहले जनाब सिस्को पढ़ना है। अच्छा, सिस्को के अंदर हमने क्या पढ़ना है, आज जो हम पढ़ने हैं वो तो है CCNA। इसके बाद अगला लेवल हमने अचीव करना ही करना है हर हालत में, उसका नाम है CCNP, यानी कि CCNA के बाद CCNP पढ़ना ज़रूरी है अगर हम किसी अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे वो क्यों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान में जॉब्स कम है, तो भाई मैट्रिक की तो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। कितने लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक किया, तो आप कहेंगे ये तो करोड़ों हैं, तो जॉब क्यों नहीं मिल रही, मतलब इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि करोड़ों हैं। अगर मैं इंटर की बात करूं तो आप कहेंगे वो भी करोड़ों के करीब करीब ही है। अगर मैं कहूं जनाब ग्रेजुएशन कितने लोगों ने किया, तो आप कहेंगे हाँ वो लाखों हैं। अगर मैं कहूं मास्टर्स कितनों की किया है, वो आप कहेंगे हाँ जी सर वो भी लाखों के करीब ही हैं। मैं कहूं PhD कितने दिनों की है, तो आप कहेंगे सर वो तो हज़ारों ही हैं। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा पढ़ते जाते हैं ना, तो आपका जॉब का लेवल वसी होता जाता है, मतलब जॉब आपको जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। इस दुनिया में हर जगह पे जनाब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब ही आप अच्छे अंदाज से किसी जगह पे सरवाइव कर सकते हैं। तो क्या हमें सिर्फ इन दोनों चीज़ों को पढ़ लिया तो काम चल जाएगा, ना, आपको दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा जो कि सिस्टम साइड। सिस्टम साइड के अंदर दो चीज़ें फेमस हैं, एक वेंडर है आपका माइक्रोसॉफ्ट और एक आपका है लिनक्स। अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो कोर्सेज हैं वो है आपके MCSE, और जो लिनक्स के अंदर कोर्सेज हैं वो है RHCSA और आगे फर्दर इसके आगे चीज़ें चलती हैं। अच्छा, इसमें ना एक MCSA भी होता था जो मैंने इस पे नाम नहीं लिखा, वो ख़त्म हो गया, इसलिए मैंने MCSE लिखा। लेकिन MCSA अभी भी पढ़ा जाता है, उसकी वजह ये है कि मार्केट में जो आप काम करें चीज़ें तो नहीं ख़त्म हुई, टेक्नोलॉजी तो वही है, सर्टिफिकेशन नहीं आप कर सकते। सर्टिफिकेशन तो आप MCSE की ई की भी नहीं कर सकते, वो भी ख़त्म हो गई है। अब इसकी जगह पर क्लाउड ले आए, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि मार्केट में सर्वर चल रहे हैं, वो कयामत तक चलते रहेंगे, मतलब जब तक ये चीज़ें चल रही हैं वो चलते रहेंगे, तो आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा। अब उन्होंने दुनिया को फॉलो करते हुए अपने सर्टिफिकेशन का मॉड चेंज कर दिया, लेकिन ये चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी भैया, आप इनके बगैर गुजारा नहीं। अब ये जो दो कोर्सेज मैंने लिखे, पाकिस्तान में एक टाइम पर किसी को नहीं पता था लिनक्स क्या होती है,
लोगों को पता लगना शुरू हुआ, और अब इसका ट्रेंड इतना बन गया कि अब बाकी लोगों को पता लग गया कि आईटी की जॉब करनी है तो लिनक्स मैंडेटरी है। पाकिस्तान में भी अब ये मैंडेटरी बन चुकी है अक्सर जगहों पे, सब पे नहीं, अक्सर जगहों पे, लेकिन अक्सर जगहों पे नहीं बल्कि सब जगहों पे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है माइक्रोसॉफ्ट, ये पाकिस्तान में। लेकिन अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान में भी सर्वाइव करना और पाकिस्तान से बाहर भी जाना, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लिनक्स पढ़ लें। लिनक्स के साथ पाकिस्तान में सर्वाइव करेंगे करेंगे, पाकिस्तान से बाहर हर हालत में करना पड़ेगा। अगर आपको लिनक्स नहीं आती तो बाहर तो कांटा लगा देना अपने आप ही, आपको जॉब ही नहीं मिलनी, भूल जाएं, उन्होंने आपसे बात ही नहीं करनी अगर आपको लिनक्स नहीं आती, क्योंकि हर चीज़ तो उनकी लिनक्स पे चल रही है, उनको पता टेक्नोलॉजी क्या है, मोस्ट सिक्योर है वो। तो जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी कि लिनक्स क्या चीज़ होती है, आपको पता लग जाएगा वाकई क्या चीज़, अंदाज़ आपको पता लग जाएगा इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम असल क्या होता है ये हमें लिनक्स से पता लगेगा। विंडोज़ वालों ने तो एक हरकत की हुई है ना, बैकएंड पे आपको आज एक नई बात पता लगेगी कि विंडो के बैकएंड पे भी लिनक्स ही है। अब आप हैरान हुए ना सुन के, हम जब लिनक्स पढ़ेंगे तो एक टाइम आएगा मैं विंडो के अंदर बैठ के आपको लिनक्स को यूज़ करना सिखाऊंगा कि विंडो के अंदर बैठ के लिनक्स कैसे इस्तेमाल की जाती है। हम विंडो के अंदर से लिनक्स निकालेंगे, इसका बैकएंड हम एक्सेस करेंगे इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, तो आपको मेरी बात को समझ आएगी कि वाकई सर ने सही कहा था कि विंडो के बैकएंड पे भी लिनक्स ही है। तो लिनक्स तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले बना था और आज भी वो चल रहा है क्योंकि फुल सिक्योर है। ये विंडो तो शशका दिया गया आपको ना ऊपर, थोड़े से जनाब ऊपर ग्राफिक्स दे दिए गए, लोगों को ज़रा शौक है, थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट कर दिया गया। तो असल कहानी ये कि आपके पास दो फील्ड्स हैं दुनिया में, एक नेटवर्क साइड है और एक सिस्टम साइड है। अब वो ज़माना है कि आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा, दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। तो अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये दोनों चीज़ें हर हालत में पढ़नी है और ये दोनों चीज़ें भी पढ़नी, फिर आपका गुजारा होगा। बाहर अगर आप जाते हैं ये दोनों और ये अकेली चीज़ पढ़ के भी गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छी सैलरी की बात कर रहे हैं तो आपको RHCE भी पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ बाहर की दुनिया में आपको CCNP सिक्योरिटी भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। अब हम जब यहाँ पर बात करेंगे ना, आप पाकिस्तान में जहाँ मर्जी चले जाएँ आपको यहाँ पर वो CCNP सर्टिफाइड लोग भी मिलेंगे, CCI सर्टिफाइड लोग भी मिलेंगे, उनको F5 का नाम ही नहीं पता। F5 क्या होता है, कभी काम किया हो तो बताओ, अब दुनिया में चल ही F5 रहा है, उनको सिस्को आइस का नहीं पता होगा। ये क्या है, दुनिया का फेमस तरीन सॉफ्टवेयर है और दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है जो सिस्को ने इंट्रोड्यूस करवाया डिटेक्शन के लिए, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी जगहों पर यह लगा। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स थे जिनको हमने इंस्टॉल करके दिया, इसका सिर्फ लाइसेंस पाकिस्तानी अब सुन के डर जाएंगे 1.5 अरब रुपए का सिर्फ लाइसेंस। तो ये बिला वजह तो नहीं लगाया होगा, कोई ना कोई वजह तो होगी ना जिसको लगाया होगा, मतलब वो बिलियनर कंपनी होगी, इतना पैसा कमा रही होगी, बिल्कुल है। तो ये बिला वजह नहीं है कोई भी चीज़, टेक्नोलॉजी दुनिया में कहाँ से कहाँ जा चुकी है हमें पता ही नहीं, हम आज भी पीछे हैं क्योंकि हम बातें करते हैं काम नहीं करते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है एक टाइम पर, इतना चीज़ें देख के डरना नहीं है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम पहले CCNA पढ़ेंगे, उसके साथ हम इंशाल्लाह लिनक्स पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह अगले स्टेप पे हम CCNP पढ़ेंगे, उसके साथ हम RHCE पढ़ेंगे, फिर CCNP सिक्योरिटी पढ़ेंगे और ऐसे मूव करते जाएंगे हम आगे की तरफ। फिर MCSE भी पढ़ेंगे जब हमें पता लगेगा कि पाकिस्तान में कुछ देर रहना है तो MCSE भी पढ़ें। बाहर भी MCSE के स्कोप है सर, पाकिस्तान में नहीं है, बाहर भी है, बाहर भी तो सर्वर्स चल रहे हैं ना। जी सर्वर्स के लिए दो चीज़ें, एक लिनक्स है और एक MCSE। दुनिया में मोस्टली जो सर्वर्स चल रहे हैं ना वो लिनक्स के, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के भी तो चल रहे हैं ना, उसे इनकार तो नहीं किया जा सकता ना, इनकार तो नहीं किया जा सकता ना, इसलिए उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरत किसकी है और ज़्यादा इंटरेक्शन किसके साथ बनाना है वो लिनक्स, वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है क्योंकि उससे आपकी राहें खुलेंगी। अगर आप हैकिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं, तो आप चले जाएँ जनाब, उसके लिए लिनक्स ज़रूरी है और लिनक्स को पढ़ने के लिए CCNA ज़रूरी है, ये ज़रूरी है चीज़ें। अच्छा जनाब, ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी। अब आप चाहें तो आप सिक्योरिटी की फील्ड में निकल जाएँ लिनक्स पढ़ के, आप चाहे तो साइबर सिक्योरिटी में चले जाएं, चाहे तो क्लाउड में चले जाएं, सब चीज़ों की जो बेस है ना वो लिनक्स और CCNA, इन दोनों के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसका मिक्सर बना के दिया। लिनक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और CCNA की आपको फ़ी चार्ज कर रहे हैं। हमारी जो टाइमिंग है आप लोगों को पता ही होगा, मैं अगेन बता देता हूँ, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, तीन दिन टाइमिंग है हमारी 8 PM। अल्टरनेट डे हमारे पास बचे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे।
इन 3 दिनों में अगले वीक से हम लिनक्स को स्टार्ट करें अल्टरनेटिव, यानी कि आपको डेली ही आना पड़ेगा और वो भी यही टाइम होगा 6:30 से 8, सेम टाइम रखेंगे इंशाल्लाह, या उसको हम 7:30 कर देंगे जो भी होगा उस टाइम पर हम देख लें, 7:30 से 8 कर 7:30 से 9 कर देंगे या 6:30 से 8 कर देंगे, दोनों टाइमिंग में कोई मसला नहीं। ये हमारा एक बेसिक सा ओवरव्यू था। अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप में से कोई ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन भी क्लास हमारी सेम टाइम पर है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि फिजिकल आए, फिजिकल जो आप चीज़ सीख सकते हैं ना वो आप ऑनलाइन ही सीख सकते हैं, ये आपको भी पता होगा। हाँ जी वो भी इशू है, इंटरनेट का भी इशू, इंटरनेट की भी आजकल ब्लॉकेज चल रही है और अभी सुनने में कहानियाँ सुनाई दे रही हैं, जरा 2 दिन के बाद फिर कोई कार्रवाई होनी है और 2 दिन बाद फिर इंटरनेट बंद हो जाए फिर क्या करेंगे हम, तो इसलिए फिजिकल आए। और बड़ी बात है कि इंट्रैक्शन रहती है ना, आप मोटिवेटेड रहते हैं, ऑनलाइन आपको कहानियाँ लगेंगी, ख्वाब आ जाएगा, नींद आ जाएगी और आप कहेंगे बस यार बोरियत हो रही है, फिर आप क्या कहेंगे, आप ही वो होंगे जो कहेंगे वो यार पढ़ने का कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलता है इतना, हमने खुद गलत किया, हमने खुद सही तरीके से पढ़ा नहीं, तो हम क्यों किसी को इस तरह बुरा कह रहे हैं। इन्हीं कोर्सेज को करके हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बाहर, पाकिस्तान में भी जॉब कर रहे हैं। मेरे एक स्टूडेंट है, अब आपको मैं ये ख्वाब नहीं दिखा रहा, ऐसा एक्सेप्शनल केस होता है और हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ CCNA के बाद जॉब नहीं मिलती, लेकिन ऐसा कन्फर्म नहीं होता कि नहीं मिलती, मतलब ये मैं इसलिए ख्वाब नहीं दिखाता, बाकी दारों में जाए वो कहते CCNA कर लो बस इतो तुम सीधा ही जन्नत जाओ, ऐसे ही कहते हो क्योंकि उनको पैसों से मतलब है। कभी किसी को गलत गाइड नहीं करना चाहिए, मशवरा एक अमानत होती है और अगर आप उसमें खयानत कर रहे हैं आप देनदार होंगे इसके, गलत कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि CCNA करके जॉब कर, जॉब मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। आपको लिनक्स भी पढ़नी है, आपको CCNA भी पढ़ना है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे फिर जॉब मिलती है। हाँ वो मेरा स्टूडेंट था, उसने अच्छे अंदाज से पढ़ा और जैसा मैं चाहता था उसने नॉलेज हासिल किया, मैंने उसको एक कंपनी में रिकमेंड किया, आज माशाल्लाह उसकी 60,000 सैलरी सिर्फ CCNA की है उसने, लेकिन उसने मेरे कहने पे जो चीज़ें मैंने बताई वो उसने खुद उसको स्टडी भी किया। बेशक कोर्स ना करें आप स्टडी तो करें एटलीस्ट, आपको पता तो होना चाहिए। अब आपको पता ही नहीं और आप कह रहे हैं मनु नौकरी नहीं मिली, ऐ फारक कोर्स है, किसी ने नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये हमने गलत किया, हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एक चीज़ पढ़कर आप मार्केट में जाएं तो गलत है। जैसे हमने 16 साल 14 साल डिग्री पे इतना पैसा लगाया उसके तौर पे तो हमें नौकरी मिल नहीं रही, तो हम ये 15,000-20,000-30,000 दे के कह रहे जनाब हमें लाखों रुपये की नौकरी मिल जाए, क्या हमारी सेंस है वहाँ, क्या बात। हाँ जी वो भी देख के हम सोच रहे पता नहीं क्या बला बन जाएगी, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता, एफर्ट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन में चूँकि हमारे पास जूम की मीटिंग है, जूम के थ्रू मीटिंग करते हैं, तो जूम में एक मसला है कि 40 मिनट के बाद ना इसकी ना सेशन एक्सपायर हो जाती है, तो हमारी जो मीटिंग आईडी है ना ये सेव रहेगी हमेशा, फिक्स है। तो सेम टाइम पर अगर आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर रहे हैं 40 मिनट के बाद विद इन 10 सेकेंड्स आप दोबारा से ज्वाइन कर, 10 सेकेंड के अंदर अंदर दोबारा हमारी ये रिन्यू हो जाएगी मीटिंग, ठीक हो गया जी। आपको क्वेश्चंस आपके हैं कोई तहफ़ुज़ात है तो आप बता दें, वरना हम परसों मुलाकात करेंगे, परसों हमारा पहला लेक्चर होगा इंशाल्लाह CCNA। कोई बात है करने वाली, जो आपने भी बात की ना वो तो रोल और फीचर है बस, वो आपने ऐड कर दिया। अब असल कहानी तो आपकी डोमेन के साथ पढ़ती है ना, आपने एक डोमेन कंट्रोलर बना लिया, अब आपके पास पीसीज इतने सारे लगे 100, 50, 300, जैसे हमने एक कंपनी में इंस्टॉल किया उस कंपनी के यूजर्स थे 3,000 यूजर्स, समझ रहे बहुत ज्यादा है, इसका मतलब पाकिस्तान में 3,000 यूजर का मतलब कितनी बड़ी कंपनी होगी, वो हमारे क्लाइंट है, बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका, सारा नेटवर्क भी हमने डिजाइन किया, सिस्टम साइड भी हमने डिजाइन किया, ओपस नहीं अलहमदिल्ला की। तो हमारे पास इतना बड़ा जब एक प्रोजेक्ट आया तो हमने उनको जो रिकमेंड किया, मैंने उनको 2 सर्वर्स रिकमेंड किए, उन्होंने मेरी रिकमेंडेशन पे वो दोनों सर्वर्स लगा लिए। अब मैंने उनको वो बात बताई जो पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे नजर आती है, क्योंकि लोगों ने ना सिर्फ ये यूट्यूब से सीखा है और जाके अप्लाई करना शुरू कर दिया, ना उनको इसकी असल पता, ना उनको पता कि सही प्रॉपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से काम करना चाहिए। अब लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ डोमेन कंट्रोल बना देते काम करना शुरू कर दिया। आप देखें ना कि आपकी कंपनी में जितने लोग हैं वो सारे के सारे काम एक्सेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डोमेन। डोमेन डाउन होगी तो आप खुदे लाइन लग गए, आप तो गए, आपकी कंपनी में 3,000 बंदा सारा गया, तो आपको क्या लगता है कि कंपनी में 3,000 बंदा उन्होंने ज्यारत करने के लिए बिठाया हमारे, वो काम ही कर रहे होंगे ना, इतना पैसा कमा रहे तो 3,000 बंदा ना, 3,000 बंदे का एक दिन के लिए आप नेटवर्क डाउन करते हैं तो आपको क्या लगता है कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान होगा। कंट्रोलर होता है और एक ADC होता है, एक्टिव डोमेन कंट्रोलर होता है जो उसका बैकअप होता है। अब लोग यही तक ब्रेक लगा देते हैं जब कैसा नहीं होना चाहिए,
रिमोट डोमेन कंट्रोलर्स भी होते हैं आपके, अगर साइट्स डिफरेंट है तो आपको वहाँ भी डोमेन कंट्रोलर एक रखना चाहिए, ताकि वो कम से कम अगर आपका ऑनलाइन लिंक बंद है तो लोकली तो उसको हैंडल कर ले, डोमेन तो बंद ना होना भाई, ये तो कम से कम आप काम कर ले। या अक्ल शौर किसको आता है जिसने काम किया हो, किताबों में आपको ये बातें नहीं मिलने वाली, प्रैक्टिकल बंदों से आपको मिलनी। तो जो आपने भी बात की ना, सिर्फ रूल्स को ऐड करना काम नहीं है, रूल्स के अलावा भी बहुत सारा काम होता होता है। एक्टिव डायरेक्टरी जब उसका रूल इंस्टॉल होता है, रूल तो एक दफ़ा इंस्टॉल हो गया वो तो दोबारा इंस्टॉल नहीं होना, फीचर्स इंस्टॉल हो गए, अब आपने उसे कैसे काम लेना वो आपकी जवाबदारी थी। आप डेली रूटीन पे जो प्ले कर रहे होते हैं ना, वो आप उसकी पॉलिसीज़ के साथ प्ले कर रहे हो, जिसको ग्रुप पॉलिसीज़ कहा जाता है, ये लगा दो वो हटा दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो कर दो वो कर दो, फलां कर दो, ये काम डेली रूटीन पे जो आप कर रहे हैं वही कर रहे हैं। फिर आपकी वो जो नेस पड़ी है, सैन पड़ी है, या आपने अपना कोई फाइल सर्वर बनाया होगा तो आप उसको मैनेज कर रहे होते हैं, लो जी अटैक आ गया ऐ कर दो वो कर दो, ये सारे रोजमर्रा के ही काम होते हैं। और हमें वो पैसे क्यों देते हैं जो चीज़ लग गई ना। अच्छा, आईटी वालों की एक बड़ा मज़े की बात है, जो लोग नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं ना और सिस्टम इंजीनियर्स होते हैं, इनकी एक खूबी ये है कि एक दफ़ा काम कर दें ना, अप्लाई कर दें, अब मौजे हैं इनकी, रोज़ इनको काम नहीं करना, वो कभी खुदा ना खास्ता कोई मसला आया तो कर, वरना ये बैठे हैं रिलैक्स, एसी में बैठे हैं रिलैक्स, बस उनको कोई टेंशन नहीं। टेंशन जो है ना वो डेवलपर्स को है, उनकी अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो उसमें से 1 घंटा ऑफ है उनका छुट्टी ब्रेक लंच वगैरह के लिए, बाकी 7 घंटे उनको लिखना है, मुसलसल लिखना है, और वो पागल हो जाता बंदा है जी बिल्कुल। लेकिन हमारी जो अगर हमारी फील्ड को देखा जाए तो दुनिया में ज़्यादा स्कोप इसी में, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि क्लाउड इंट्रोड्यूस हो चुका है दुनिया में, क्लाउड आ गया, और क्लाउड कौन हैंडल करते हैं, ये डेवलपर्स तो नहीं बेचारे कर पाते, हाँ ये डेवलपिंग कर दी उन्होंने वन टाइम के लिए, वो हो गया काम, आप पीछे भी बैठे हैं जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मौजों के साथ किसने काम करना है, आपने और मैंने, हमने तो जब काम कर दिया आप उसको सिर्फ लुक आफ्टर करना है, हमने और कुछ नहीं करना, बस देखना है आपने और आपके अकाउंट पर पैसे आ रहे हैं। हाँ, ये मुझसे कल भी एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, कल भी मैंने उसको बात बताई थी कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऑन प्रेमिसेस नहीं चाहिए लेकिन क्लाउड में तो चाहिए ना, तो क्लाउड वालों के पास आपकी जॉब निकली नहीं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या लगा हुआ, आपने कहा कि ये खत्म हो गए, तो मैंने पूछा कि क्लाउड में क्या लगा हुआ, जहाँ पे क्लाउड का एनवायरनमेंट फिजिकल तो कहीं ना कहीं, तो यही तो कह रहा हूँ ये खत्म थोड़ी हो गई, ऑन प्रेमिसेस हर जगह पे खत्म नहीं हो सकते, तो ये कभी खत्म नहीं होंगे एकदम, क्या कभी भी नहीं हो सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे